हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता मिश्रा, रोज की तरह कुछ नए कंटेंट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना लेट किए चलते हैं वीडियो पे। आज का वीडियो मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में है जो कि मैंने पर्पल वेबसाइट से खरीदा है। तो पर्पल हैज बिकम वन ऑफ द मेजर लीडिंग ब्रांड एज वेल एज वेरी फेमस ब्रांड्स सेलिंग ऑल द ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एक चीज जो पर्पल के बारे में है दैट इज पर्पल में आप किसी भी रेंज के प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं और वो भी बहुत रिजनेबल प्राइस में। एंड ऐसा नहीं कि वो ब्रांड सस्ता है या फिर दैट ब्रांड विल नॉट सूट यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल द ब्रांड्स पर्पल इटसेल्फ उसके ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी सेल करता है उसमें, जो कि बहुत रिजनेबल भी रहता है और अच्छे प्रोडक्ट्स भी देता है। चलिए बिना लेट किए लेट्स सी कि मैंने पर्पल से क्या क्या खरीदा है। ये जो मैं दिखाने वाली हूँ उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने पहले खरीदा था, आई थिंक नियरली अबाउट लाइक 2 months बैक, बट आई वॉन्टेड टू रिव्यू द प्रोडक्ट, सो मैं ये वीडियो उसको भी लेके बना रही हूँ। और मेरा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो रहेगा जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले जो ऑर्डर किया है एंड उसका भी क्या सेम है मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं विच इज एड्स गुडनेस। ये पर्पल में ही ये ब्रांड आता है, ये जनरली आपको कहीं और पर नहीं मिलेगा। आजकल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सब लड़कियों के लिए, तो आई थिंक दे आर इंक्रीजिंग देयर प्राइस अकॉर्डिंगली। आई थॉट ऑफ स्विचिंग टू पर्पल एंड ट्राई द प्रोडक्ट्स। आई नो इट इज वेरी रिस्की टू ट्राई एनी प्रोडक्ट इन योर इंटीमेट एरियाज। आई थॉट कि आई शुड शेयर विथ यू गाइज। दिस इज टाइप ऑफ जेल, आई विल जस्ट शो यू इफ यू कैन सी। ज्यादा फोम भी नहीं होता है एंड द स्मेल रियली इट इज जस्ट डिसेंट स्मेल। ये ज्यादा फ्लावरी स्मेल भी नहीं है, इट इज एक्चुअली ग्रीन टी का स्मेल है बट इट स्मेल्स वेरी डिसेंट। मेरा सेकंड बाय है जो कि ऑलरेडी आधा खत्म हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। वॉल्यूम 200 ml है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसका ये है कि बहुत सारे इंटीमेट वॉश ऐसे होते हैं कि आप इंटीमेट एरिया को वॉश करने के बाद ड्राई हो जाता है, बट this is not at all that type of intimate wash. I have seen the difference of irritation free. सारे products का description box में आपको link भेज दूंगी। तो चलिए हमारे second product में चलते हैं which is Streax hair serum. This serum is affordable as well as this serum works as usual as the other serum. ये जो है इसका smell order भी बहुत अच्छा है, प्लस इसका रेंज भी आता है। इसका छोटा बॉटल भी है, ये मैंने छोटा बॉटल लिया है which was 120 rupees, जो कि मुझे ऑफर में 99 rupees में मिला था, है ना, सस्ता। इट इज रिजनेबल ऑल्सो एंड इट डज द सेम वर्क एज द अदर सेरम डज। डजंट मेक द हेयर ऑयली और आप इमीडिएटली हेयर धोने के बाद ही इसको अप्लाई करना। यू शुड नॉट अप्लाई दिस सेरम इनटू योर रूट्स। इसको सिर्फ अपने बाल के लेंथ पे लगाया जाता है ताकि हेयर स्मूथ रहे एंड धोने के बाद जो इंटेंगल हो जाता है उसको फ्री कर देता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट सेरम टिल डेट, दिस इज गुड वाइब्स। गुड वाइब्स भी पर्पल का और एक ब्रांड है जो सिर्फ पर्पल में ही आता है। तो ये है रोज हिप स्पेस सेरम जो कि गुड वाइब्स का है। ये सेरम मेरे को फ्री गिफ्ट में मिला था। मेरा स्किन बहुत एक्ने प्रोन है तो मैं ये विशलिस्ट करी थी बट आई डिडंट बाय दिस, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट होता है कि हर एक सेरम मैं अप्लाई नहीं कर सकती अपने फेस में क्योंकि ऑयली हो जाता है। बेसिकली क्या होता है जब आप पर्पल से खरीदते हो आपके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा तो मैंने 2 फायदे मैंने आपको पहले बता दिया। अब तीसरा फायदा मैं ये बताती हूँ कि आप जब कुछ भी खरीदते हो तो पर्पल में हर टाइम पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स होता है और या फिर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट के साथ कुछ प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। और बेसिकली ये जो एड्स गुडनेस जो मैंने पहले आपको प्रोडक्ट बताया था जिस ब्रांड का, एज वेल एज गुड वाइब्स, ये वाले ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिल ही जाते हैं जो कि वो लोग आपको भेजते हैं टू ट्राई दिस। जो फ्री गिफ्ट मिलता है उसमें भी आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा गिफ्ट लेना है। बट ट्रस्ट मी, ये बॉटल ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि 2 महीने से मैं इसको, ये 2 महीने पहले ही खरीदा है सारे प्रोडक्ट्स, तो ये ऑलरेडी 2 months में मैं इसको खाली कर चुकी हूँ। ठीक है, इट वॉज समर स्टिल आई वॉज यूजिंग दिस। वाई आई लाइक दिस सेरम वॉज द फर्स्ट डे इटसेल्फ जब मैंने यूज किया था तब मेरे ऑलरेडी स्किन में पिम्पल 2 या 4 कुछ पिम्पल्स थे, तो आई अप्लाइड इट इन द मॉर्निंग और द नेक्स्ट डे आई ऑब्जर्व्ड द पिम्पल हैज बीन रिड्यूस्ड। होती हूँ कि ये फेस पे कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स ये सेरम है तो आपको थोड़ा सा स्वेटिंग होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें थोड़ा जो ऑयल है, जो रोज हिप का जो ऑयल है दैट मेक्स योर फेस लाइट। इट्स नॉट, आई नेवर टेल इट्स ऑयली बट योर फेस स्वेट्स, ठीक है, बट अगर भी स्वेटिंग होता है इट डजंट अफेक्ट योर पिंपल। आप इसको लगाते हो तो आई विल रिकमेंड यूज इट विथ सम मॉइस्चराइजर दैट सूट्स योर फेस। अगर नहीं भी होता है देन यू कैन जस्ट अप्लाई 1 drop ऑन योर स्किन एंड यू मसाज इट एज मच एज यू कैन टिल यू डोंट सी द सेरम ऑन योर फेस। सेकेंड एडवांटेज इसका है आप थोड़ी देर के बाद आप लगा लो, लाइक नियरली अबाउट 30 minutes या 40 minutes के बाद ट्रस्ट मी यू विल सी अ ग्लोइंग स्किन। थर्ड इसका एडवांटेज है ये जो पिंपल्स के दाग होते हैं, आई कैन नॉट शो यू नाउ बिकॉज ये सारे पिंपल दाग इससे कम हुए। मेरे यहाँ सारे ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे, यहाँ ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे एंड दैट जस्ट वेंट विद दिस सिरम। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। अगेन गुड वाइब्स का मैंने सनस्क्रीन लिया है, यू कैन सी द प्रोडक्ट। सच्ची बात बताऊं तो आई नेवर यूज टू यूज सनस्क्रीन। सब बोलते थे कि सनस्क्रीन यूज करो बट मैंने आज तक कभी भी सनस्क्रीन यूज नहीं किया था। दिस इज माई फर्स्ट सनस्क्रीन दैट आई हैव ब्रॉट। और ये वाला लाने का भी मेरा एक रीजन था। दिस पर्पल हैड गिवन मी दिस गुड वाइब्स सनस्क्रीन लोशन एज अ ट्रायल पैक मेरे पिछले ऑर्डर में एंड आई यूज दैट एंड आफ्टर दैट आई ब्रॉट। आप लोग सोच रहे होंगे कि SPF 30 मैंने क्यों लिया, दैट वाज माय मिस्टेक क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन सा SPF यूज करना है। बट आई थिंक SPF 30 गोज टू माई स्किन ऑल्सो। दिस कंटेन्स एलोवेरा, ग्रीन टी, क्यूक्यूम्बर एंड जोजोबा एक्टिव्स। सनस्क्रीन सारे थोड़ा ऑयली हो जाता है फेस बट आई हैड नॉट सीन एनी काइंड ऑफ पिंपल ऑन माई फेस बिकॉज ऑफ दिस। तो चलिए अभी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, इट्स My favorite product I would say is another brand from Purplle only. ये और कहीं पे नहीं मिलते हैं and this ये है NY Bae nail paint remover pads और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने पहली बार, ये मेरा 4th डब्बा है। तो ये मैंने जब पहले खरीदा था तो मैंने डाउट में ही खरीदा था and it was available in just 59 रुपीज। ये मेरे को ऑफर में मिला था। अभी इसका प्राइस 99 रुपीज में 30 पैड। I'll just show you one pad from the box. You can see इतना गोल सा है बट द अमाउंट ऑफ नेल रिमूवर इन दिस कैन रिमूव योर फिंगर नेल्स एज वेल एज योर नेल्स। ये मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैं नेल पेंट लगाई हूँ, उसको मैं इरेज कर रही हूँ। यू कैन सी जस्ट इन वन वाइप। और मैं आपको बता देती हूँ, ये नेल पेंट के नीचे मैंने और एक नेल पेंट लगाया था जो कि उसके साथ ही वो मिट गया। आई डो नॉट हैव टू, I am not applying pressure on this nail. You can see it's normal, like I am wiping it off. ठीक है, and the nail is clean. आप देख रहे होंगे, ठीक है। Just इतना टाइम लगता है, it is just fraction of seconds आपको ये nail remover जैसा काम करता है। So मैंने अभी तक कोई भी nail pad इतना सस्ता और इतना good quality with reasonable price में मेरे को मिला है। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से मेरे nail paint को remove किया है। Takes very less time, so इसीलिए it is my favorite. Highly recommend this whoever are wanting to buy nail remover pads and this is the best product with reasonable price. तो चलिए ये था मेरा 2 महीने पहले का ऑर्डर का सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। तो अभी चलिए चलते हैं उसी प्रोडक्ट पे जो अभी मैंने रिसेंटली खरीदा है। तो पहला प्रोडक्ट जो है टंटना, ओके, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस इज माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग। मैककैफेन जब नया आया था तब भी, आई थिंक मैं कुछ 4 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मैंने मैककैफेन, तभी आ रहा था कम्बो ऑफर में मैककैफेन बॉडी स्क्रब और उसके साथ बॉडी वाटर क्रीम, तो मैंने तब लिया था एंड बीच में मैंने स्क्रब यूज करना छोड़ दिया था। एंड दिस इज अगेन माय सेकंड बाय विद एन अमेजिंग ऑफर जो मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो लिटरली लिखा है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ये एक्चुअली ट्रू है, ठीक है। ये इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो पहले मैं आपको डब्बा भी, मैंने आपके लिए ये डब्बा अभी तक नहीं खोला है, ठीक है, तो अभी ही खोलते हैं। कॉफी एक्चुअली इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट यूज्ड एज अ स्क्रब, डजंट मेक योर स्किन ड्राई। आप डेली बेसिस में करते हो तो ये आपका आई थिंक 2-3 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। बट मैं डेली बेसिस में नहीं करती हूँ, मैं मंथ में एक बार ही टोटल बॉडी स्क्रब करती हूँ। और फेस स्क्रब के लिए मेरा एक दूसरा प्रोडक्ट है, या फिर मैं अगर इसी से भी अगर फेस स्क्रब करूँ तो भी आपका थोड़ा और लाइक 8 to 9 मंथ्स या फिर 1 साल भी चल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस पैकेट के अंदर क्या है। तो ये इतना बड़ा डब्बा आता है विच इज टू फुल। और ये प्रोडक्ट आई डोंट नो, आई जस्ट इन लव विद दिस प्रोडक्ट। और उसके साथ जो मेरा सबसे फेवरेट है दिस फूड, यू सी दिस द स्मेल। जिन लोगों को कॉफी पसंद है, सॉरी आई एम अ बिग फैन ऑफ कॉफी, तो मैं इस डब्बे को सिर्फ खोलती हूँ तो स्मेल। पार्टिकल्स हैं इसमें, बॉडी को बहुत अच्छे से स्क्रब कर देता है, डेड स्किन्स निकाल देता है। यूज द स्क्रब इन एनी सीजन, रेनी सीजन हो या फिर समर सीजन, कोई भी सीजन में आप इसको यूज कर सकते हो। इट जस्ट आफ्टर यू स्क्रब, आपको कोई भी स्क्रब करो तो आपको ड्राई लगता है, इट डजंट लगता है, क्योंकि इसमें जो कॉफी विद कोकोनट है दैट नॉरिशेज योर स्किन। अब पर्पल में इसका ऑफर चल रहा था, वो क्या है तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला जो है मुझे मैककैफेन, इस प्रोडक्ट में मेरे को फ्री मिला है। और इसमें क्या है, तो जैसे कि मैंने बोला कि पर्पल ऑलवेज गिव्स अस ऑप्शन टू चूज आवर गिफ्ट्स, तो मेरे पास भी मैक्स था बट मैंने ये वाला बॉडी स्क्रब था, शैम्पू था, ऑयल था, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं था। तो मैंने अगेन एक छोटा सा बॉडी स्क्रब, फुल बॉडी स्क्रब, एक छोटा सा, कितना छोटू सा है, जो है नेट क्वांटिटी इज 100 ग्राम्स और ये जो है ये 20 ग्राम्स का है। और उसके साथ मेरे को जो मिला है दैट इज कॉफी फेस स्क्रब, मैंने लिया है दैट इज कॉफी फेस वॉश। और ये पैकेट भी कितना क्यूट सा है, सब कुछ क्यूट है एंड आई लव मैकैफे। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एरोमा मैजिक 3-in-1 प्लम ब्लॉसम बॉडी वॉश। तो ये वाला मेरा परचेज है, मेरा फर्स्ट वाला परचेज वही सेम वाला एरोमा मैजिक का 3-in-1 जैस्मिन ब्लॉसम बॉडी वॉश था। ये वाला 500 ml का है, ये वाला मैंने लिया था 220 ml का है। इसका बड़ा वाला अवेलेबल नहीं था तो मैंने छोटा वाला ले लिया। ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। तो इसका स्मेल एक्चुअली स्मेल्स लाइक जैस्मिन, बट इतना भी जैस्मिन वाला स्मेल नहीं है जो कि आपको बहुत ज्यादा महका देगा, ऐसा नहीं है। इट हैज अ डिसेंट स्मेल जो मुझको पसंद आया। और एक बात, बहुत बड़ा एडवांटेज इसका है कि इट डजंट मेक योर बॉडी ड्राई। सेकेंड एडवांटेज ये है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है हेयर, फेस एंड बॉडी, ये तीनों जगह पे आप यूज कर सकते हो। येस, आई हैव ऑल्सो यूज दिस एंड ट्रस्ट मी इट हैज वर्कड एज वेल एज इट वर्कड ऑन बॉडी। ये मैं 6 महीने से यूज कर रही हूँ और इसका क्वांटिटी भी आप इतना सा लो तो भी आपको बहुत ज्यादा लगेगा। मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलती हूँ। दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज गुड वाइब्स हेयर मास्क, जो कि केराटिन हेयर मास्क है। दिस हैज बिकम वन ऑफ माई फेवरेट हेयर मास्क टिल डेट। मैं पहले मामा यूज करती थी हेयर मास्क एंड दैट वर्क्ड रियली वेल। अगर उसको कोई कंपटीशन दे रहा है तो ये है। इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला मेरा नया बॉटल है बट मैं उसको नहीं खोल रही हूँ। ये दिस इज माई सेकेंड बाय, दिस इज माई फर्स्ट वन जो कि मैंने ट्राई किया था एंड यू कैन सी द क्रीम इनसाइड इट। ओ गॉड, इसका स्मेल हुआ। पहले क्या करना है, बाल को गीला कर देना है एंड उसके बाद आप थोड़ा सा भी लेके उसको हाथ में लेके आप पूरे हेयर पे लगा सकते हो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और उसके 1 घंटे बाद या फिर 40 मिनट्स के बाद भी आप उसको वॉश कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ पर्सन हु यूजेस कंडीशनर आफ्टर शैम्पू। आफ्टर यूजिंग दिस आई नेवर वांटेड टू यूज दिस। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। दिस हैज बिकम वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट ये। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको एक गुड वाइब्स का सनस्क्रीन पहले दिखाया था तो ये वाला क्यों। तो मैंने सनस्क्रीन कभी भी यूज़ नहीं किया था। तो मेरे लिए सनस्क्रीन लगा के फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के तो आई बिकम वेरी स्वेटी, तो मेरा फेस बहुत स्वेटी हो जाता है। तो फॉर दैट रीजन मैंने बहुत लोगों को पूछा, तो मेरे फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन के बाद मैंने ये वाला खरीदा विच इज़ अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन जेल। द डर्मा को ब्रांड का है और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। आपको ये मैं लगा के दिखाती हूँ। और ये जो आप जेल जो लिखा है एक्चुअली जेल नहीं है, ये क्रीम टाइप है बट आप इवेंचुअली आप इसको देख पाओगे। ये पूरा मिल जा रहा है स्किन के साथ। तो ये मैट फिनिश जो है ये आपकी स्किन को स्वेटी नहीं बनाएगा। आप इसके ऊपर कुछ भी मॉइस्चराइजर हो या सीरम हो जो भी लगा सकते हो। तो अभी चलते हैं, मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो है NY Bae का नेल रिमूवर जो है। इसका रिव्यू मैं अगर करूँ तो ये वाला प्रोडक्ट तो वाई, बिकॉज आई टेल यू, मैं आपको दिखा ही देती हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। आप ये नेल पेंट देख रहे हो, ठीक है। मैं ये नेल पेंट एक्चुअली और एक नेल पेंट के ऊपर लगाई हूँ। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मैंने लिया, इतना लेना चाहिए। और उसके ऊपर मैं आपको ये नेल पेंट रिमूवर जो होता है एक बार में वो निकल जाना चाहिए, बट इस पर बहुत ज़्यादा, या आप देख रहे हो मैं जो दूसरा वाला नेल पेंट लगाई थी, इट इज टेकिंग अ हेल लॉट ऑफ टाइम। इतना टाइम एक नेल लेकर को नहीं लगना चाहिए, जो कि मैं इतना प्रेशर दे रही हूँ जो कि नहीं लगाना चाहिए। तो मैं इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। इन लोगों ने क्या किया है, जो डुअल टोन लिखा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया है रादर देन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आई विल रेट दिस प्रोडक्ट वेरी लो। मुझे अच्छा नहीं लगा ये प्रोडक्ट, जबकि आप देख पाओगे ये इतने अच्छे से मिटा भी नहीं पा रहा है, देख रहे हो आप, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है इसको इरेज करने के लिए। और एक डिसएडवांटेज मैं इसका बताती हूँ, स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जितना स्मेल स्ट्रॉन्ग है उतना स्ट्रॉन्गली ये काम नहीं करता है। बहुत सारे नेल पेंट्स ड्राई हो गए थे तो मैं उस पर डालने के लिए मैं ये वाला लाई थी, बट वेरी डिसअपॉइंटेड, ये वो भी काम नहीं कर रहा है। आप जितना देख रहे हो, ये जितना क्वान्टिटी, ये इतना क्वान्टिटी था, इसका क्वान्टिटी इतना था और मैं इतना सारा एक ही नेल पेंट में यूज़ की हूँ टू मेक इट वेट, जो नेल पेंट को वेट करने के लिए, जो कि पूरा ड्राई हो चुका था। एंड उसके बाद भी इतना डाला तो भी मेरे को लगा कि शायद हो जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ। एंड आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, बट प्लीज गाइज डोंट गो फॉर दिस प्रोडक्ट। बट तो आज का वीडियो उतना ही था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, डू सब्सक्राइब माई चैनल क्लिकिंग द बेल आइकन, जिससे आपको सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए उतना ही, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।